हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट जेरप सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूजीसी नेट का मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ये जो नेशनल फेलोशिप्स हैं ये क्या है। हालांकि मैंने पहले इनके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। मैं इन तीनों के क्राइटेरिया के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इनके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट पर ही आपको लास्ट जो जून 2020 के 2020 के जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उनकी भी लिस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अवार्ड फॉर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एंड अवार्ड फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अवार्ड फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, ये थ्री कैटेगरी में यूजीसी यहाँ पर निकालता है। इसके अलावा एक और आती है एसटी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन, अलग विंडो है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ से आगे करना होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। आप देखो, ये है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट। ये उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने ये वाला एग्ज़ाम दिया होता है, यानी कि जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए होते हैं, रीसेंट एग्ज़ाम, रीसेंट जो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर होता है। अगर आप यहाँ पर अपीयर हुए हैं और आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है, अगर आपने इस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, अगर आपका जेआरएफ हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो ये अलग से नेशनल फेलोशिप दी जाती है। आप नेट हैं तो भी आप जेआरएफ हो सकते हैं। अगर आप नेट या जेआरएफ मतलब कुछ भी नहीं है तो भी आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है उसी मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन भी होता है। यहाँ पर अगर हम समझे तो ये ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है, जो ये वाला जो टाइप ऑफ स्कीम गाइडलाइन है ये अप्रैल 2019 से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये भी 2019-2020 से ये अपडेट हुआ था जुलाई 2020 में। इसका भी गाइडलाइन ऐसा ही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो सिमिलरली जो रिसेंट एग्ज़ाम होता है, जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, इसी यूजीसी नेट के रीसेंट एग्ज़ाम के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर द जेआरएफ अवार्ड लेटर। इसमें सिर्फ लोगों को, स्टूडेंट्स को जेआरएफ का अवार्ड मिलता है, नेट का अवार्ड नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स जो एमफिल पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, सिमिलरली इसका भी वही है कि जो सबसे रीसेंट एग्ज़ाम हुआ है इसके मेरिट के बेसिस पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलता है, यानी आपको अवार्ड लेटर मिलता है। अब इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, अब उसी एग्ज़ाम के मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, और ये सिलेक्शन आपका उन क्राइटेरियाज के एवब होगा जो कि यूजीसी के एग्ज़ाम के क्राइटेरिया में होता है। यानी जो लोग टॉप 6% में होंगे उनको नेट मिल जाएगा, जो टॉप 1% में उनको जेआरएफ मिल जाएगा, जनरली ये होता है। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा भी एक लिस्ट निकलती है, उसी लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है मेरिट के बेस पे। आप देखिए ये लिस्ट यहाँ पर है, आप देखो यहाँ पर ये मैंने ओपन कर रखे हुए हैं, ये मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है। इस लिस्ट में देखिए आपको ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सिक्स मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ठीक है, आप देखो यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्रिश्चियंस, राइट, जैन्स, ये सभी इंडिया के एक्सेप्ट हिंदू, इंडिया में एक्सेप्ट हिंदू, बाकी सभी माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आप लोगों की लिस्ट है, राइट, इसमें आप लोगों का पूरा डिटेल वगैरह दिया रहेगा, एप्लीकेशन नंबर से, रोल नंबर से आप चेकआउट कर सकते हैं, दोनों दिया हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, यहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपका नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है, एनएफएससी का है, ये एप्लीकेशन रोल नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप देखिए सब कुछ डिटेल्स है। ये एक मौका होता है, एक चांस होता है कि आप अगर इस मेन एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब अगर आपका रिजल्ट इसके अकॉर्डिंगली नहीं आता है, तो आपको एक मौका दिया जाता है जनरल स्टूडेंट्स को छोड़ करके, बाकी ये सभी कैटेगरीज के लिए हैं, ठीक है, उसका अलग से होता है। और चूंकि ये अपना मर्ज साइकिल था इस बार का,
जून दिसंबर 2020 का और जून 2021 का था, तो इसीलिए यहाँ पर भी इनके लिस्ट भी मर्ज आए हुए हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टॉप पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, राइट, दोनों लिखा हुआ दिसंबर 20 और जून 21 का है। तो आप भी हो सकते हैं JRF अगली बार अगर आपका ऐसे कुछ होता है तो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि उन बच्चों को भी इसमें JRF मिल सके जो चाहते हैं अपना क्वालिफाई करना, ठीक है, जिनको आगे पढ़ाई करना है और अगर उनका मेन एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मैं आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, आप लोगों का वापस जिन लोग का नहीं हुआ था सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप मेरे से अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप मेरे प्रोफाइल पे जा करके मेरे फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं फ्री क्लासेस यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो होती है मेरी फ्री होती हैं, आप कभी भी जा करके इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि रेज हैंड, आप मेरे से डायरेक्टली लाइव क्लास में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्सेज स्टार्ट हो गए नए बैचेस के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, पेपर 2 पेपर 1 भी पढ़ा रहा हूँ। आप आकर के यहाँ ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने UGC नेट एग्जाम की। इसके लिए अनअकैडमी ने आप लोग को ऑफर दिया हुआ भी, 1-2 दिनों के लिए ऑफर रहेगा। अगर आप 24 महीने का या 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। इसमें 6 मंथ के एक्सटेंशन से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आप लगातार पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अभिषेक जी आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, टोटल जो वैल्यू है, अमाउंट है फीस की, उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। कुछ भी अगर आप लोग को पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।